नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्त्रियों और पुरुषों, मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे कॉलेज की हिस्ट्री में, यानी कॉलेज की जिंदगी में, ये पहली बार स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम का पहला आइटम है गर्ल्स म्यूजिकल चेयर। बाजारी नर्तकी और वो शरीफ इंसान, कैसे होगा तेरा उसका प्यार अरे नादान। रोका नहीं जा सकता। बैठ। आप मुझे पढ़ाएंगे? अरे आप तो मुझसे भी ज्यादा भीग गए हैं। लेकिन तुम आई कैसे? मौसी को पता है? मैं मौसी को बोल कर आई, वरना वो मुझे थोड़ी आने देती। क्या बोल कर आई? मैं पढ़ने जा रही हूँ। झूठ बोल कर। झूठ? क्या कहा तुमने? मैंने कहा मौसी वो जो बाबूजी है ना, मुजरा बहुत पसंद करते हैं। आप गुस्से हो गए? लक्ष्मी तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें आती कैसे? मौसी से कह देती मैं पढ़ने जा रही हूँ तो वो थोड़े ही आने देती, टांगे तोड़ देती। लेकिन लक्ष्मी इतना बड़ा झूठ, तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने गिरा दिया मुझे। आ,
मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, शायद तुम्हारे पास यहाँ आने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। बात का हमेशा ख्याल रखना लक्ष्मी, कोई भी अच्छा काम झूठी या गलत बुनियाद पर रखकर नहीं किया जा सकता। आज अगर मैं झूठ को अपना लूं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सच कह रहे हैं आप, लोगों की नजरों से गिर जाएंगे। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए भी। क्यों झूठ बोल रहे हैं बाबूजी? मेरा अंजाम तो सच बोलकर भी वही है, झूठ बोलकर भी वही। आपके पास तो झूठ बोलकर चले आना जैसे जानबूझकर सपने देखना था, टूट गया। अब फिर यहां कभी आने की कोशिश न करूंगी। ये किताब रख लीजिए, मेरे काम के लिए। किसी को दे दीजिएगा जिसके काम आ जाए। लक्ष्मी, बाहर तूफान है। उसी से बचने के लिए आई थी। तुम्हें इस तूफान से बचना ही होगा। मैं आ गया। ओ वर्मा जी, आइए। ये कॉलेज फंक्शन के बिल वगैरह मैंने सब चेक कर लिए हैं और प्रिंसिपल साहब के दस्तखत भी करा लिए हैं। आप इनका हिसाब कर दीजिएगा। थैंक यू। कायर मत बन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले दे कर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानव ताने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कोई मनुष्य जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। हर मनुष्य को अपना जीवन सुधारने का पूरा पूरा अधिकार है, और वो उस वक्त हो सकता है जब उसको ज्ञान होता है। वाल्मीकि एक डाकू थे, जब उनको ज्ञान हुआ तो वो महात्मा के रूप में बदल गए और उन्होंने रामायण की रचना की। अरे लक्ष्मी, तुमने तो कमरे की सूरत ही बदल डाली। अच्छा लग रहा है। हाँ, चलो किताब निकालो। पहले आप मुंह हाथ धो लीजिए। हाँ? सुबह से काम करते करते थक गए होंगे। उठिए, मैंने पानी साबुन रख दिया है। लेकिन कोई ऐसी थकावट तो नहीं? पर मुंह हाथ धोने में हर्ज क्या है? उठिए ना। आप वहां बैठ जाइए। क्यों? बैठ जाइए ना। आज आप पहले खाना खा लीजिए। खाना? लेकिन खाना तो मैंने पकाया ही नहीं। मैं बनाकर लाई हूं, आप खाएंगे ना मेरे हाथ का बना हुआ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे डर था कहीं आप मेरे हाथ का खाना खाने से इनकार न करते। मैं छूत छात में विश्वास नहीं रखता, और तुम कोई अछूत तो नहीं? अछूत?
सिर्फ अछूत होती तो अच्छा था। लक्ष्मी ऐसा क्यों सोचती हो तुम? सोचती हूँ बाबूजी, देखती हूँ हम लोग भी अजीब हैं। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा हर जात हर मजहब का आदमी आता है, गाड़ियां भेज बुलाता है, लेकिन हमारे किसी के घर कोई जगह नहीं। लेकिन इतना खाना तो जाया जाएगा। जितनी भूख है खा लीजिए, बाकी मैं खा लूंगी। जूठा? मेरा जूठा? खा लीजिए ना। तुम देखती रहो और मैं खाता रहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो अक्सर आती है, इसे पहले ही मैंने देखा है। अरे ये तो रमप्यारी वाली लक्ष्मी है। एक रोटी और खा लीजिए। नहीं लक्ष्मी, बहुत खा लिया, अब बस। आइए हाथ धो लीजिए। अब मालूम हुआ मुझे किराया क्यों नहीं मिलता। जी लीजिए इलायची और मिश्री। अब आप आराम कीजिए। क्यों, पढ़ोगी नहीं? आज का सबक हो गया। कैसे? आप नीचे पढ़ा रहे थे, मैं ऊपर पढ़ रही थी। चलो। अच्छा, अब फिर लिखना पढ़ना शुरू मत कीजिएगा। लक्ष्मी जी? नहीं कुछ नहीं। आप कुछ कहते कहते रुक गए, सोच में पड़ गया, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। आप कहकर तो देखिए। मैं ये कह रहा था कि ये कपड़े जो तुम पहनकर आई हो, सादे कपड़े अच्छे लगते हैं। लक्ष्मी ये क्या? आप मेरे आदर्श हैं, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। भड़कीले कपड़े पहनने को तो हर कोई कहता है, सादे कपड़े पहनने को किसी ने नहीं कहा। मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मालूम है एक ही क्लास में 9 बार फेल हो चुके हैं। 9 बार? इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। बच्चों तुम लोग कोई भी सवाल करो, उसका मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ए हिस्ट्री, केमिस्ट्री, पामिस्ट्री, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, आलूजी, कचालूजी। आलूजी कचालूजी ये सब क्या है? तुम नहीं समझोगे बच्चों, तुम सवाल पूछो उसका जवाब दूंगा। पूछे? हाँ जरूर पूछो। निर्मल आओ। आपने बच्चों को सिखा दिया, कोई आए तो कहना घर में नहीं है। हाँ वर्मा जी। निर्मल मैं शर्मिंदा इस झूठ के लिए, और इसलिए भी कि मैंने तुमसे कहा इनके पैसे चुका दिए। तो क्या आपने इनके रुपए नहीं दिए और मेरे मकान का किराया भी? क्यों? क्योंकि जिंदा रहने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वर्मा जी जिंदा रहने का यह भी कोई तरीका है? तुम क्या समझते हो मैं खुश हूं? लेकिन यह धोखा है, फरेब है। आप प्रोफेसर हैं
आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। क्या सोचेंगे लोग जब इन्हें पता चलेगा कि आप इनका रुपया हजम करके, क्या सोचेगा मेरा मालिक मकान, उसके दिल में आपके लिए और मेरे लिए क्या इज्जत रहेगी, क्या सीखेंगे आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, और मैं आप जैसे सीनियर प्रोफेसर से क्या सीखूंगा। निर्मल, कोई किसी से कुछ नहीं सीखता। मैंने भी अपने माँ बाप और बुजुर्गों से ये नहीं सीखा था। हालात मजबूर कर देते हैं। मैं भी कभी जवान था, मेरे अरमान थे, उम्मीदें थी, आदर्श थे, उसूल थे। ये देखो खाली बक्से, इनमें मेरे कॉलेज के मेडल्स, ट्रॉफीज और कप्स थे। सब बिक गए, सिर्फ ढांचे रह गए हैं, जैसे कि मैं। आओ तुम्हें और कोई दिखाऊं। आओ ये तुम्हारी भाभी है, इस वक्त ये बेहोश है। क्या तकलीफ है इन्हें? कैंसर। रात दिन तड़पती है, बेहोशी की दवाई के लिए खर्चा करना पड़ता है, इसे अभी भी जीने की उम्मीद है। न जाने भगवान इसे कब मौत देगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो क्या कहूं, पांच बच्चे हैं, उनमें से दो कुंवारी जवान लड़कियां, उन्हें जिंदा रखूं या इसे? मुश्किल तो यह है, हर कोई जीना चाहता है, किसे जिंदा रखूं, कैसे? धोखे फरेब से तो काम नहीं चलता। अंकल्स और आंटीज, आज मिस रत्ना की सालगिरह है, इस खुशी के मौके पर सेठ जमनादास गाना गाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है सेठ जमनादास की लड़की गाना गाएगी। आइए। नहीं नहीं, आइए मिस रत्ना, अरे आइए ना, सिर्फ एक गाना, शर्माने की क्या बात है, देखिए आपको गाना होगा। सेठ जी आइए, कोई बात नहीं, अरे उसमें क्या, विस्फोटिंग। आज तो आप नाच कह ही नहीं सकती, आज तो आपकी सालगिरह है, आपको गाना होगा। आइए चलो चलो भाई, हटो ना जल्दी से, बीच में आते हो, बैठो। अरे जाओ ना, आज तो मजे की बात है। रेडी, एक दो तीन। मुबारक हो रत्ना। थैंक यू। मुबारक हो रत्ना जी, क्या गाना गाया था, इट वॉज रियली वंडर। बहुत अच्छा गाती हो, इसीलिए आवाज से भी दूर चले आए। नहीं, कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी, शायद भीड़ की वजह से, और तबीयत भी कुछ, तबीयत ठीक नहीं थी, तो क्यों आए? आशीर्वाद देने। कोई तोहफा? मैं इतना अमीर नहीं, लेकिन फिर कभी सही दूंगा एक दिन। क्या? जो तुम मांगोगी और मेरी पहुंच के अंदर होगा। सॉरी लीला, चाय तो पिलाओ। मैं लाती हूँ।